Welcome back, my dear kids. How are you? I am Payal, your math teacher. Today we will start our new chapter of mathematics book by Brain Root series. The name of the book is Mathematics Whirlwind Pre-Primer. Today we will start chapter number 4. The name of the chapter is Number Awareness. So let's start the chapter. Let us sing. तो चलिए कुछ गाते हैं. 1, 2, buckle my shoe. 3, 4, open the door. 5, 6, pick up the stick. 7, 8, lay them straight. 9, 10, a big fat hand. Again we will sing. 1, 2, buckle my shoe. 3, 4, open the door. 5, 6, pick up the stick. 7, 8, lay them straight. 9, 10, a big fat hen. Forward counting and ascending order. इस टॉपिक में बच्चों हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड काउंटिंग क्या होती है और असेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं. फॉरवर्ड काउंटिंग, वी मूव अपवर्ड स्टेप बाय स्टेप टूवर्ड द ग्रेटेस्ट नंबर इन फॉरवर्ड काउंटिंग. फॉरवर्ड काउंटिंग में क्या होता है बच्चों, हम धीरे धीरे एक एक नंबर बढ़ते हैं छोटे से बड़े की तरफ. सो कैसे, फर्स्ट वी विल स्टार्ट नंबर 1, देन नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. तो क्या किया हमने, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम छोटे से बड़े नंबर की तरफ बढ़े. तो इसको हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड काउंटिंग. ऑब्जर्व द फॉरवर्ड काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10. अब हम फॉरवर्ड काउंटिंग पढ़ेंगे 1 से लेके 10 तक. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, then 10. Again we will learn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. इस काउंटिंग में क्या है, स्टेप बाय स्टेप छोटे से बड़े नंबर की तरफ हम जा रहे हैं, इसलिए इसको फॉरवर्ड काउंटिंग कहते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, वी अरेंज द नंबर इन इंक्रीजिंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं बच्चों, सभी नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं, मतलब छोटे से बड़े की तरफ. फर्स्ट वी सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट नंबर, देन वी कीप ऑन सिलेक्टिंग ग्रेटेस्ट नंबर टिल द ग्रेटेस्ट नंबर. सबसे पहले हम दिए हुए नंबरों में से सबसे छोटे नंबर को चूज करते हैं, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर लास्ट में सबसे बड़ा नंबर. अरेंज द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं आपको, आपको इस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें कौन कौन से नंबर दिए हुए हैं. नंबर 4, नंबर 6, नंबर 8, 7, देन 3. तो इनमें से सबसे छोटा नंबर है नंबर 3. वी विल राइट 3 फर्स्ट. उसके बाद हम देखेंगे 3 से बड़ा नंबर कौन सा है. 3 से बड़ा नंबर है 4. वी विल राइट 4 हेयर. आफ्टर देन 4, 4 के बाद कौन सा नंबर बड़ा, दैट इज नंबर 6. वी विल राइट नंबर 6 हेयर. आफ्टर देन नंबर 7 एंड द लास्ट वन इज नंबर 8. द लास्ट नंबर इज नंबर 8. तो हमने क्या किया, इन सब नंबरों में से पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर और फिर उससे बड़ा, इस तरीके से सबसे बड़ा नंबर जो है उसे हमने लास्ट में लिखा. तो इस मेथड को हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर. द नेक्स्ट वन यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ बैकवर्ड काउंटिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. तो इस टॉपिक में हम बैकवर्ड काउंटिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे. बैकवर्ड काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग क्या होती है, वी मूव डाउनवर्ड स्टेप बाय स्टेप टूवर्ड द स्मॉलर नंबर
इन बैकवर्ड काउंटिंग। बैकवर्ड काउंटिंग में हम क्या करते हैं, हम बड़े नंबर से धीरे धीरे छोटे नंबर पे आते हैं। सबसे पहले हम बड़े नंबर से पढ़ेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर लास्ट में सबसे छोटा नंबर। देखिए पहले वो नंबर 10 पे, देन 6, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड द लास्ट वन इज नंबर 1। इसमें वो सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट होकर सबसे छोटे नंबर तक आए। ऑब्जर्व द बैक काउंटिंग फ्रॉम 10 to 1। यहाँ पे बैकवर्ड काउंटिंग दे रखी है हमें 10 से लेके 1 तक। लेट्स रीड 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड द लास्ट वन इज नंबर 1। इसमें क्या गया हुआ है, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और ऐसे करते करते लास्ट में सबसे छोटा नंबर। डिसेंडिंग ऑर्डर, वी अरेंज द नंबर इन डिक्रीजिंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट वी सिलेक्ट द लार्जेस्ट नंबर, देन वी कीप ऑन सिलेक्टिंग स्मॉलर नंबर टिल द स्मॉलेस्ट नंबर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, दिए हुए नंबर्स में से सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर चूज करते हैं, उसके बाद उससे छोटा, सबसे छोटा, और देन लास्ट में जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है। अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आपको इन नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे। देयर आर नंबर 4, 6, 8, 7 एंड द लास्ट वन इज नंबर 3। तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, नंबर 8। तो वी विल राइट 8 हियर। फिर 8 से छोटा नंबर, नंबर 7। उसके बाद कौन सा है बच्चों सबसे छोटा नंबर, लेट्स थिंक। सो द स्मॉलेस्ट नंबर इज नंबर 6। सो वी विल राइट नंबर 6 हियर। एंड द नेक्स्ट नंबर इज नंबर 4। वी विल राइट 4 हियर। एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज नंबर 3। वी विल राइट 3 हियर। एंड द नेक्स्ट पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। आप पहले इस नंबर्स को पढ़ेंगे, फिर सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा नंबर, और लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। नाउ द प्रैक्टिस टाइम, कॉल आउट द नंबर फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश एज दे अपीयर। यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आपको उनको स्टार्टिंग से लेके फिनिश लाइन तक रीड करना है। तो चलिए हम नंबर रीड करते हैं। नंबर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Once again we will read 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and the last number is number 1. Write the missing numbers counting backward. आपको counting backwards के कुछ missing numbers यहाँ लिखने हैं। तो the first number is number 8 and the last number is number 1. आपको 8 से लेके 1 के बीच के सारे missing number लिखने हैं। तो backward counting में सबसे पहले number 8, उसके बाद हम लिखेंगे 7, 6, 5, 4, 3 and then 2 and then 1। तो इसमें हमने 8 से लेके 1 के बीच के जो भी मिसिंग नंबर्स थे वो हमने लिखे। नेक्स्ट पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलर द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा नंबर। तो यहाँ पे 4 बॉक्सेस हैं, उसमें नंबर्स लिखे हुए हैं। आपको उस बॉक्स को कलर करना है जिसमें नंबर सही से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो चलिए हम करते हैं अपना क्वेश्चन। नंबर 6, नंबर 7, नंबर 3, नंबर 2। लेकिन इसमें क्या है कि सबसे पहले कौन सा नंबर आना था, नंबर 7, क्योंकि इन 4 में सबसे बड़ा नंबर है नंबर 7। तो डेट्स मीन कि ये बॉक्स डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। द नेक्स्ट इज नंबर 7, नंबर 3, नंबर 6 एंड इन लास्ट नंबर 2।
सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा नंबर। तो ये नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में सही हैं। सो यू हैव टू कलर दिस बॉक्स सेम इन दिस पैटर्न। यू हैव टू डू दिस पार्ट बाय योरसेल्फ। नाउ वी विल स्टडी अबाउट आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन। अब हम पढ़ेंगे आफ्टर, बिफोर और बिटवीन के बारे में। आफ्टर का मतलब होता है बाद में क्या आएगा, बिफोर का मतलब होता है पहले, और बिटवीन का मतलब होता है बीच में। लुक एट द नंबर स्केल केयरफुली। यहाँ पे आपको एक नंबर स्केल दिया हुआ है, उसके नंबर्स को बहुत ध्यान से देखिए। उस पे कौन कौन से नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and the number 10। They have choose 3 number। उन्होंने इसमें से 3 number को choose किया है। So the middle number is number 5। They have taken this in between। यह number बीच में लिया हुआ है। तो 5 के बाद क्या आता है, after number कौन सा है, that is number 6। और 5 से पहले क्या है, number 4। तो number 6 क्या है, after। नंबर 4 क्या है, बिफोर। एंड द नंबर 5 कम्स इन बिटवीन। नंबर 4, 5 एंड 6, 5 बिटवीन में है, नंबर 6 आफ्टर एंड द नंबर 4 बिफोर। नाउ द टाइम फॉर प्रैक्टिस। Write the numbers that come after the given number। यहाँ पे कुछ numbers दिए हुए हैं, आपको उनके बाद जो number आता है वो लिखना है। So the first number is number 2। तो बताइए 2 के बाद क्या आता है, Yes you are right, number 3। The next number is number 7। 7 के बाद क्या आता है बच्चों, number 8। And the next number is number 9। 9 के बाद आता है number 10। Rest of the part you have to do by yourself। बाकी बचे हुए questions आप खुद करेंगे बच्चों। Write the numbers that come before the given number। यहाँ पे कुछ numbers दिए हुए हैं, आपको उनसे पहले कौन से numbers आते हैं वो लिखने हैं। First number is number 10। तो बताइए 10 से पहले क्या आता है, 10 से पहले आता है 9 नंबर। द नेक्स्ट वन इज नंबर 5। 5 से पहले कौन सा नंबर आता है, नंबर 4। द नेक्स्ट नंबर इज नंबर 3। 3 से पहले क्या आता है, सोचो सोचो बच्चों, 3 से पहले आता है नंबर 2। द नेक्स्ट नंबर इज नंबर 2। 2 से पहले क्या आता है, नंबर 1। रेस्ट ऑफ द पार्ट यू विल डू बाय योरसेल्फ। बचे हुए क्वेश्चन आप खुद करेंगे। व्हाट कम्स इन बिटवीन द गिवन नंबर, कि दिए हुए नंबर्स के बीच में कौन सा नंबर आता है। पहला नंबर है 5 एंड द नेक्स्ट वन इज 7। आपको बताना है 5 और 7 के बीच में कौन सा नंबर आता है। 5 के बाद आता है 6 और 7 से पहले क्या आता है, 6। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में आता है 6 नंबर। द नेक्स्ट नंबर इज 3 एंड 5। आपको बताना है 3 के बाद क्या आता है और 4 से पहले क्या आता है। तो 3 के बाद आता है 4 और 5 से पहले भी क्या आता है, 4। द नेक्स्ट नंबर इज नंबर 1 एंड नंबर 3। आपको बताना है 1 के बाद कौन सा नंबर आता है और 3 से पहले कौन सा नंबर आता है। तो 1 के बाद आता है नंबर 2। सो रेस्ट 3 पार्ट यू विल डू बाय योरसेल्फ। 3 मैंने आपको करके दिखाए और बाकी बचे हुए 3 पार्ट आप खुद करेंगे। ओके बच्चों, राइट द मिसिंग नंबर्स। यहाँ पर बहुत सुंदर सी पिक्चर बनी हुई है, इसमें आपको क्या करना है, मिसिंग नंबर्स लिखने हैं। देखिए नंबर 1, उसके बाद 2 ब्लैंक है, देन नंबर 4, अगेन देयर इज अ ब्लैंक, देन नंबर 6। तो आपको ये बताना है 1 के बाद क्या आता है, नंबर 2, देन 3, 4, 5 एंड 6। हमने इन नंबर्स के बीच में
जो मिसिंग नंबर्स थे उनको हमने फिल किया. द नेक्स्ट वन इज 6, 7, देन अगेन अ ब्लैंक, देन नंबर 9 एंड अगेन देयर इज अ ब्लैंक. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 6, 7. 7 के बाद क्या आता है बच्चों? नंबर 8, देन नंबर 9 एंड आफ्टर 9 देयर इज अ नंबर 1, 0, 10. ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू. अब हम पढ़ेंगे ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू के बारे में. ग्रेटर देन कि जब दो नंबर दिए हुए हो उनमें से हमें ग्रेटर नंबर को चूज करना है. स्मॉलर वन जब दो नंबर के बीच में कोई नंबर छोटा हो. एंड द इक्वल टू जब दिए हुए दो नंबर बराबर हो. द एलिगेटर लाइक टू ईट द ग्रेटेस्ट नंबर. इस एलिगेटर को क्या पसंद है? ग्रेटेस्ट नंबर खाना. डैश इज द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर. ग्रेटर नंबर का साइन ऐसा होता है. डैश इज द साइन ऑफ इक्वल टू. दिस इज द साइन ऑफ इक्वल टू. इक्वल टू का साइन ऐसा होता है. डैश इज द साइन ऑफ स्मॉलर नंबर. डैश इज द साइन ऑफ स्मॉलर नंबर. स्मॉलर नंबर का साइन कैसा होता है? ऐसा होता है. नाउ द टाइम फॉर प्रैक्टिस. ड्रॉ द करेक्ट सिंबल. अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं और हमें करेक्ट सिंबल को ड्रॉ करना है. सो फर्स्ट वी विल काउंट द पिक्चर नंबर 1, 2, 3 and 4. एंड हियर नंबर 1 and 2. तो कौन सी पिक्चर बड़ी है? नंबर 4. तो वी विल मेक दिस साइड. नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6. देयर आर 6 फुटबॉल. एंड हियर 1, 2, 3, 4, 5 and 6. यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6. तो यहाँ पर आएगा साइन इक्वल टू का, क्योंकि दोनों तरफ दोनों पिक्चर इक्वल है. दिस वन एंड दिस वन यू विल डू बाय योरसेल्फ. नंबर नेम्स. अब हम पढ़ेंगे नंबर नेम्स के बारे में. अभी तक हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे बच्चों किसके बारे में? नंबर नेम्स के बारे में. लर्न एंड राइट नंबर नेम्स फ्रॉम 1 to 10. हम नंबर नेम्स पढ़ेंगे 1 से लेके 10 तक. सो हेयर इज अ नंबर 1. तो इसका नंबर नेम क्या है? O N E 1. इसको ट्रेस करेंगे O N E 1. गिवन ब्लैंक, दिए हुए ब्लैंक में हम इसको फिर से लिखेंगे. दैट इज O N E 1. द नेक्स्ट नंबर इज नंबर 2, T W O 2. अगेन वी विल ट्रेस इट एंड वी विल राइट T W O 2. द नेक्स्ट नंबर इज नंबर 3, T H R E 3. वी विल ट्रेस दिस नंबर T H R E 3. हियर वी विल राइट T H R E 3. द नेक्स्ट नंबर इज नंबर 4, F O U R. यू विल ट्रेस दिस नंबर एंड वी विल राइट हेयर F O U R 4. नेक्स्ट नंबर इज नंबर 5, F I V E 5. ट्रेस इट एंड राइट हेयर. इसको ट्रेस करके आपको नेक्स्ट कॉलम में इसको लिखना है. द नेक्स्ट नंबर आर एंड द नेक्स्ट नंबर इज नंबर 6, S I X 6. ट्रेस इट एंड राइट इन दिस कॉलम. नेक्स्ट नंबर इज नंबर 7, S E V E 7. ट्रेस इट एंड राइट हियर. नेक्स्ट नंबर इज नंबर 8, E I G H T. यू हैव टू राइट हियर E I G H T. The next number is number 9, N I N E 9. N I N E 9. And the last number is 10, T E N 10. T E N 10. So my dear kids,
In this chapter, we have learned about ascending order, descending order and about number names. इस chapter में हमने ascending order, descending order और number names के बारे में पढ़ा. तो कैसा लगा आपको आपका ये chapter? I hope you enjoy it. So stay tuned for next video. Till then, goodbye, take care.